हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नक्श एग्ज़ाम में। मैं सागर ध्यान है आपके पास। पशुधन प्रसार अधिकारी 2024 जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, उसके लिए क्वेश्चन पेपर सीरीज बना रहे हैं हम लोग, यानी कि मॉडल पेपर बना रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गाइज, आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म की जो फिलिंग डेट है वो आपके लगभग 10 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी के बीच है या 31 जनवरी के बीच है, तो उसमें आप लोग फॉर्म भर दीजिए और साथ ही तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है और जो सिलेबस है वो आपका आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो हम बायो की बात करें या हम केमिस्ट्री की बात करें। साथ ही गाइज, आज एक चीज़ और देखने को मिली है कि इन्होंने सिलेबस थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर भी डाल दिया है या एग्रीकल्चर आ चुका है। पहले भी एग्रीकल्चर था लेकिन इन्होंने हटा दिया था, आयोग के द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन पुनः से इन्होंने एग्रीकल्चर इसमें ऐड कर दिया है। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे तक या प्रत्येक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो इससे तैयारी कर पाए या इसके जैसी तैयारी अपनी कर पाए, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, ईजीएस टू मॉडरेट लेवल रहेगा, हाई नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 11th 12th का है, इसमें इंटरमीडिएट स्तरीय एग्ज़ाम है। हालांकि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, लेकिन जो पेपर आएगा वो आपका इंटरमीडिएट स्तरीय आएगा, क्योंकि इसमें कुछ जो है आपके अलग पोस्टें हैं, जैसे आपके रेशम अधिदर्शक और जो कि इंटरमीडिएट स्तरीय है, और यहाँ एजी वाले भी रहने वाले, इन्होंने भी साइंस को फेस करना है, और यहाँ पे जो हमारे बायो वाले हैं उन्होंने भी एग्रीकल्चर को फेस करना है। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है टैक्सोन का सही क्रम है, तो टैक्सोन का सबसे अच्छा या जो सही क्रम है वो है आपके पास, ऑप्शन दिए हुए हैं, डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। सेकंड ऑप्शन है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सी ऑप्शन है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और ये सभी। हो सकता है गाइस टाइप करने में कुछ गलतियाँ हो गई हो, स्पेलिंग की ओर ध्यान न दें आप, केवल क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें और उनके आंसर की ओर ध्यान दें, तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका बी ऑप्शन। यदि आपका प्लांट का पूछा जाए कि प्लांट की सही टैक्सोनॉमी या सही टैक्सोन क्या है, तो आपका सबसे पहले आएगा डिवीजन, वैसे हम सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे, फिर डिवीजन, फिर क्लास आएगा, फिर आपका ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद फैमिली रहेगी, फिर जीनस रहेगा और फिर स्पीसीज रहेगी। यदि हम यहीं पे एनिमल की बात करेंगे तो डिवीजन की जगह पे आपका फाइलम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको गाइस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं, तो गाइस यहाँ पे द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं आपके पास लीनियस, कॉर्लिनियस पूरा नाम है इनका, बाइनोमियल क्लेचर जिन्होंने दिया था, और बाइनोमियल क्लेचर ये एक बायोलॉजी में जो बाइनोमियल क्लेचर दिया था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो कोई भी जीव है उसको उसके दो नामों से जाना जाएगा, एक नाम उसके जीनस को इंडिकेट करेगा यानी कि वंश को, और एक उसके स्पीसीज यानी जाति को प्रदर्शित करेगा, एग्जांपल होमो सैपियंस के तौर पे हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की सर्वाधिक दुख देने वाली नस्ल कौन सी है या दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, तो यहाँ पे एग्जॉटिक ब्रीड की बात की गई है, एग्जॉटिक ब्रीड ना कि इंडिजिनस ब्रीड यानी कि विदेशी नस्ल की बात कर रहे हैं, तो आपकी राइट आंसर है एचएफ यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन। आप सभी ने देखा है ब्लैक एंड वाइट स्पॉट वाली गाय, काफ़ी सुडौल गाय, तो ये सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है, लगभग 5,000 से 7,000 इसका लैक्टेशन पर ईयर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, फंजाई में सेलवाल किससे निर्मित होते हैं, तो फंजाई में सेलवाल जो होते हैं मुख्य तौर पर आपके काइटिन से होते हैं, कुछ आपको सेलुलोज को देखने को मिल सकते हैं लेकिन मुख्य मेन आपके काइटिन के बने होंगे। सिस्टमैटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो सिस्टमैटिक शब्द हमारे जॉन हैक्सले साहब ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे,
गाइस एक बार पुनः से आपके पास आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक कैंडिडेट तक पहुंच पाए और वो भी इस तरीके से तैयारी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा आपस में संबंधित न हो। तो देखिए, प्रजनन की आपने सबसे अच्छा है, जब हम पशुपालन करते हैं तो सबसे बेस्ट होती है हमारे पास ब्रीडिंग करवाना। और ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है भाई? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक। या उसमें जो उसकी जो मीट पर्पज के जो एनिमल्स होंगे उनमें मीट या मांस बढ़ सके, ठीक। एग प्रोडक्शन वालों में एग की क्वालिटी और एग का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, मिल्क वालों में मिल्क बढ़ सके। तो देखिए, जो ये वाली है जिसमें नर तथा मादा संबंधी ना हो, वो इन ब्रीडिंग कहलाएगी, क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगी, आउट ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग। तो इसका राइट आंसर है आउट ब्रीडिंग। देखिए गाइज, इन ब्रीडिंग का मतलब हो गया जो रिलेटिव हो, पाँच से छः जनरेशन्स तक जो रिलेशन में हो या रिलेटिव हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, पिता और पुत्री, ठीक हो गया, या माता और पुत्र, दादा और उसकी पोती, इस तरीके से जो रिलेशन में हो वो आपका इनब्रीडिंग में कहलाएगा। आउटब्रीडिंग वो कहलाएगी जो कि पाँच से छः जनरेशन या पीढ़ी में किसी भी प्रकार का जो संबंध न रखते हो, ठीक हो गया ना, वो आउटब्रीडिंग में आएगी। इनब्रीडिंग के टाइप आपको यही है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, जबकि आपके आउटब्रीडिंग के टाइप्स हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग में आ सकता है आपका, क्रॉस ब्रीडिंग आ सकती है, बैक क्रॉसिंग आ सकती है इसमें, ठीक। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस किस कुल से संबंधित है? तो गाइस, ऑप्शन है बोविडी, कैमेलिडी, स्वीडियाई और कैनेडी। तो राइट आंसर है बोविडी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये सभी बोविडी कुल से संबंधित है। जब बात करें हम स्वीडी की, तो स्विसिस्क्रोफाई यानी कि आपका जो सुअर है वो आपका स्वीडियाई से है, कैमेलिडियाई यानी कि कैमल से संबंधित है, और कैनेडियाई यानी कि आपके कैनाइन कुत्ते वगैरह से संबंधित कुल है। नेक्स्ट आपका, प्राकृतिक पद्धति का सबसे प्रचलित वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था ये किसके द्वारा दिया गया? तो आपका राइट आंसर है बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन है सर्गाशम, ट्राइकोडेस्मियम, ब्लैगाइड, डोमोनास एंड अलवा, ये सभी आपके एल्गी हैं। और गाइज, इसका आंसर आपको स्वयं बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी इसका आंसर कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनी किसके संकरण से बनती है? तो गाइज, यहाँ पे हिनी की बात हो रही है। देखिए, हिनी एक इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस है या ब्रीडिंग है, जिसमें हम अंतरजातीय भी इसमें हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य जब क्रॉस होता है तो उससे बनने वाला जो संतति है, उससे जो बनने वाली क्रॉस का जो रिजल्ट है वो हमारा अंतरजातीय कहलाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन है हॉर्स मेल, एस फीमेल, एस मेल, हॉर्स फीमेल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर आपका रहने वाला है, जिसमें हॉर्स मेल होगा और एस फीमेल होगी तो वो हिनी बनेगा, और एस मेल होगी और हॉर्स फीमेल होगा। गाइस एक बार ध्यान से सुनिए, एस मेल होगा और हॉर्स फीमेल होगी तो यहाँ पे आपका म्यूल बनेगा यानी खच्चर। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आपने दोनों को रट लेना है, बस याद कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है बैरमपुर में। ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत में पाए जाने वाला रेशम कीट, आप सभी जानते हैं कि इसमें सेरीकल्चर के भी कम से कम 13 पद हैं, यानी कि 3 तो आपके इंस्पेक्टर के हैं और एक आपका 10 आपके लगभग सुपरवाइजर के रहने वाले हैं या है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, एंथेरियाई एसोमा जो है भारत में पाए जाने वाला कीट है, जिसकी हम ज़्यादातर रियरिंग करते हैं। नेक्स्ट है, गाय और भैंस में मदकाल का कितना समय होता है? तो मदकाल यानी हीट का कौन सा कितना समय रहता है गाय और भैंस में? तो देखिए गाइस, दिन ज़्यादा दिन तो रहता नहीं है, कम से कम 1 से 1.5 दिन हम इसमें मान सकते हैं। तो 1 से 1.5 दिन का मतलब हो गया 24 से 36 घंटे आपका रहता है, और इसी ड्यूरेशन में हम लगभग क्या कर लेते हैं, AI या NI, नेचुरल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य को किस में एकत्रित किया जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य है या सीमन है, ठीक, बुल से लिया जाने वाला जो सीमन है उसको हम LN2 यानी लिक्विड नाइट्रोजन में एकत्रित करते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस रहता है।
आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका उत्तर प्रदेश में है। और गाइस इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CGRI पूछ दिए जाए, चाहे वो USWDB पूछ दे, चाहे वो NDDB पूछ दे, चाहे वो NDRI पूछ दे, चाहे वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूछ दे, चाहे वो IBRI पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। बायोलॉजी है आपका, एनिमल हस्बेंड्री इससे संबंधित कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ ले, 2 से 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड्रेस किसकी नस्ल है? तो लैंड्रेस जो है ऑप्शन दिए हैं पिग की, कैमल की, डंकी की और हॉर्स की। तो राइट आंसर आपका पिग, जो आपके आपका सुअर है उसकी नस्ल आपका लैंड्रेस है। और एक दूसरी विदेशी नस्ल जो यहाँ पाई जाती है वो है आपका वाइट यॉर्कशायर, तो ये भी आपकी पिग की नस्ल है। मैथेनोजन संबंधित है, तो देखिए मैथेनोजन जो संबंधित है, देखिए मीथेन को बनाने में या बायोगैस जब बनती है तो उसमें मीथेन का प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, और ये आपके आर्कियोबैक्टीरियाज में शामिल होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मानव कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है? तो आपका राइट आंसर है RBCs में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह तापमान जिसमें एंजाइम सर्वाधिक क्रिया विधि अपनी करते हैं, तो वह है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो सेल थ्योरी आपके ऑप्शन है विच ऑफ नगेली, सीडन, स्वान और नेक्स्ट है लुईस पाश्चर। तो सीडन एंड स्वान के द्वारा आपकी ये थ्योरी दी गई थी, सीडन एंड स्वान के द्वारा अलग अलग दी गई थी। एक ने प्लांट सेल थ्योरी दी थी तो दूसरे ने आपके एनिमल सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो आपका आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पे जाइलम, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, फ्लोएम एंड फैलेम। तो राइट आंसर आपका फैलेम है, बाकी सभी की कोशिकाएं आपकी सजीव होती हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है, किस ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है वो आपका है स्पैग्नम। साथ ही देखिए स्पैग्नम का जहाँ पे यूज होता है वो स्पैग्नम का यूज हम वाटर एब्जॉर्बेशन में भी करते हैं, ठीक है ना, ये जल अवशोषण में भी किया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ है यह किसका कथन है, यह किसने इसको सिद्ध किया है? तो आनुवंशिक पदार्थ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, DNA ही एक आनुवंशिक पदार्थ है या DNA से जेनेटिक मटेरियल, ये कथन किसने सिद्ध किया था? तो हमारे हर्से एंड चेज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूव किया प्रोटीन और DNA में प्रूव किया कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्हें मिला कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने इसके लिए T2 phage का यूज किया और साथ ही एक कल्चर किया, कल्चर में लिए गए E. coli का प्रयोग किया जिसमें इन्होंने प्रूव किया कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। इसमें 2 आइसोटॉप्स का यूज किया गया था, एक हमारे पास था फास्फोरस और एक हमारे पास है सल्फर, इन दोनों का यूज किया। और आगे जब देखा इन्होंने पीढ़ी में कौन जा रहा है, तो इन्होंने देखा फास्फोरस आगे बढ़ रहा है, और फास्फोरस किसका कंपोनेंट्स है? तो फास्फोरस हमारा DNA का कंपोनेंट है, तो ये सिद्ध हुआ कि भाई DNA एक जेनेटिक मटीरियल, जबकि सल्फर प्रोटीन का है वो आगे नहीं जा रहा है, एक सेल वॉल में ही जा रहा है, बाकी ऐसे जेनेटिक मटीरियल के तौर पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ ये थ्योरी आप इतना पढ़ने का समय है नहीं, तो इसको आप रट लेना। किस परितंत्र का सर्वाधिक जैव भार होता है? तो देखिए यहाँ जैव भार हो गया, इसको अवॉइड करें, अवॉइड का मतलब इग्नोर करें सॉरी, और आगे की ओर देखें कि भाई किसका जैव भार, जैव भार का मतलब हो गया एक बायोमास से संबंधित है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा सर्वाधिक होगी तो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराजा एक अच्छा उदाहरण है? माइकोराजा आप सभी जानते हैं कि माइकोराजा क्या है, ठीक। तो एक सहोपकारिता का अच्छा उदाहरण है, और किस किस के बीच में है वो भी आप पढ़ लेना, इसमें एक लाइकेन भी आता है और एक माइकोराजा आता है, तो उनके बारे में पढ़ लेना आप, किस किस का संबंध है, कैसा है, म्यूचुअलिज्म है, किसके बीच का म्यूचुअलिज्म है, ये आप अपने आप पढ़ के आएंगे कि पाइनस में रहता है, ऑर्किड में रहता है, किस में रहता है और किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोगों के कारकों को सही चयन कीजिए। तो यौन संचारित रोगों के कारक हैं यहाँ पे STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ दी हुई है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल वार्ट है, एड्स है,
और यहाँ ऑप्शन है HIV, नेसेरिया, ट्रेपोनोमा और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो आपके जो राइट आंसर हैं, गोनेरिया का तो नेसेरिया है, सिफिलिस का आपका ट्रेपोनोमा है, जेनेटल वार्ड आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये वाला तो एनिमल्स में भी देखने को मिलता है पेपिलोमा वाले का, वार्ड्स का, और एड्स आपका HIV है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VNTRS का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, VNTRS मतलब वेरिएबल नॉन टैंडम रिपीट सीक्वेंस। इसका यूज हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, यानी कि उंगली छाप DNA में इसका प्रयोग किया जाता है। फीटस में पाए जाने वाला है इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है ना, फीटस में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे है IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी फीटस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके यहाँ दिए हुए हैं 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून। तो आपका राइट आंसर है 16 सितंबर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावित होता है। तो गाइज, हिस्टामिन जिसके कारण एलर्जी मेनली हमें होती है, तो यह है आपके मास सेल के कारण ही आपका क्या होगा, स्रावित होगा। तो गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस कैंडिडेट तक पहुँचाएं जो कि तैयारी पे जुटा हुआ है। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।